प्रथम तहलका न्यूज। देश में इस समय जहां धर्म को लेकर राजनीति की जा रही है और विवाद देखने को मिल रहा है, तो वहीं इसी बीच में आपको धर्म एकता की ऐसी खूबसूरत तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि भाई वाह। पंजाब के बहु मुस्लिम संख्या आबादी मुस्लिम शहर मलेरकोटला भाईचारे की मिसाल बना है, जहां मुसलमानों की आबादी अधिक है और यहां पर सभी ही धर्मों के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और सभी एक दूसरे के त्योहारों को शिरकत करते हैं और हंसी खुशी इन त्योहारों को मनाते भी हैं। जिहड़ा साडा मलेरकोटला गंगा जमनी तवी आ, वो तो सबक सीखना चाहिए। तुहाडे सामने आ मंदिर मस्जिद एको दीवार दे उत्ते ने, कदे कोई झगड़ा नहीं होया। आरती का टाइम अलग आ, अजान का टाइम अलग आ, दोनों दे अद्धे घंटे का फर्क आ। अजान भी हुंदी आ, आरती भी हुंदी आ, लोग इबादत भी करते हैं मंदिर दे विच, पूजा आरती भी हुंदी आ। कदे कोई झगड़े नहीं, कदे कोई कुछ नहीं होया। कुछ लोग होंगे ने जेड़े जी शहर की फिजा ने उन्होंने खराब करना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली जेड़े साडा आपसी जी भाईचारा वो कदे भी इत्थे कदे भी ऐसा कोई गल नहीं हुई जिदे नाल आपसी भाईचारा साडा बिगड़े। साडा भाईचारा दिन ते दिन मजबूत होंदा जा रहा, सानू इस गल की खुशी है। और सानू पूरे वर्ल्ड नू इस तो सबक लेना चाहिए कि मलेरकोटला छोटे जे शहर च जदों असी आपसी भाईचारे नाल रह सकते हैं कि बाहर नहीं असी रह सकते, सानू इत्थों सबक लेना चाहिए। ना तो मंदिर मस्जिद की अजान और जो मंदिर की आरती है, इन दोनों में ही 30 मिनट का गैप है। और कहते हैं कि जब आगे लगा हुआ इंजन बढ़िया हो तो गाड़ी अपने आप ही बढ़िया चलती है। तो हमारे मंदिर के प्रधान श्री पुरुषोत्तम जिंदल जी और मस्जिद अक्सा के जो प्रधान हैं, दोनों ही बहुत अच्छे ढंग से, दोनों ही कमेटियां बहुत अच्छे ढंग से इस धार्मिक स्थल को, इसकी जो मैनेजमेंट बनी हुई, बड़े अच्छे ढंग से इसको चला रही हैं। क्योंकि जो भी प्रेम भाव है वो दिल के द्वारा ही जागृत होता है। दोनों प्रधानों की आपसी सहमति के द्वारा ही, कॉलोनी की सहमति के द्वारा, क्योंकि घनी हिंदू आबादी है यहाँ पर, मस्जिद अक्सा बनी हुई है, लेकिन आज तक यहाँ पर मुस्लिम फाउंडेशन के सज्जन भी विराजमान हैं कि आज तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। रमज़ान के महीने में जो कि अब चल रहा है इस समय, जब रोज़ा इफ्तकारी का समय होता है, शाम के समय जब रोज़ा खुलता है, तो मस्जिद के द्वारा रू अफजा की सेवा हो चाहे पानी की सेवा हो, तो वो कॉलोनी के द्वारा दी जाती है। आए हुए का सत्कार किया जाता है, बड़ी दूर दूर से यहाँ पर जमात आती है, सबसे प्रेम के साथ में व्यवहार किया जाता है। सो जितने जिस प्रांगण में मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई नफरत नहीं है, किसी के मन में कोई द्वेष नहीं है, सबने आपसी प्रेम बनाया हुआ है। हम भी सभी विश्व को यही यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने मन में सही धारणा लेकर चलें, शास्त्र मत के अनुसार चलें, तो ये प्रेम बड़ी दूर तक जागृत हो सकता है। मंदिर और मस्जिद की एक साझी दीवार है, एक तरफ मंदिर और दूसरे तरफ मस्जिद बनी हुई है और कई सालों से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर चर्च, गुरुद्वारा साहब, मस्जिद और मंदिर बने हुए हैं। जहाँ मंदिरों में पूजा अर्चना होती है तो वहीं मस्जिदों में अजान भी होती है और गुरु घरों में अरदास और विनती भी की जाती है। कि असी पूरे भारत के अंदर चले जाइए, एक बहुत बड़ी मिसाल है कि मलेरकोटले के अंदर सानू पूरा भारत दिख रहा है, जिदे विच कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, असी सारे कट्ठे रह रहे हाँ, कोई इत्थे नफरत ही नहीं। अगर असी हिंदू भाईचारे दे नाल भी जाने तो हिंदू भाईचारा सानू ईद दियाँ या असी उन्हां नूं दशहरे दियाँ मुबारकबादां दे जाने, असी कहां दिवाली दियाँ, असी उन्हां दे घरां जाने, वो साडे घरां च आउंदे ने। मेरे नाल बहुत सारे मेरे मित्र ने जिहड़े मेरे नाल क्रिकेट खेलदे रहणे, और बचपन दे विच वी असी खेलिया, साडे मुहल्ले च वी असी इकट्ठे खेलदे थे, और कोई मेरे हिंदू दोस्त ने जिहड़े कि रमज़ान दे रोज़े भी रखदे थे। मैं अलहमदुल्ला मैं बहुत फख्र करदा कि अज मैं वो धरती ते पैदा होया कि जिहड़ी धरती एक तो भारत के उपर, दूसरा मैं मलेरकोटले के अंदर मैं फख्र करदा कि मैं ऐसे भाईचारियां दे नाल जिहड़ी साडी सांझ है बजुर्गों तो है, और असी अल्लाह ताला मूहरे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कि सांझ नूं मजबूत रखी और पक्की रखी ता कयामत तक। देखिए, ये सबसे बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दोनों की इबादत गाहें एक जगह पर कायम हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो खुशी की बात यह है कि जब मुस्लिम लोग अपनी इबादतें करते हैं तो उस वक्त हिंदू भाई को डिस्टर्ब नहीं होता, इसी तरीके से जब हिंदू भाई करते हैं तो उस वक्त मुस्लिम भाई को डिस्टर्ब नहीं होता। ये बड़ी बात है, यानी हर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के भाईचारगी का सबूत देते हैं और दुनिया को ये सबक सिखाते हैं कि चाहे मज़हब अलग है लेकिन हम भाई भाई हैं और एक दूसरे के साथ भाईचारगी का सबूत देते हैं
और इसी वजह से वो अपने अखलाक लोगों के सामने पेश करते हैं। और मैं दुनिया के सारे मज़ाहिब से यही उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपने दूसरे मज़हब वालों के साथ, चाहे वो सिख हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे ईसाई हों, चाहे वो दलित हों, इसी तरह का व्यवहार करें ताकि दूसरों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो, भाईचारगी पैदा हो, अमन अमान पैदा हो, सुकून पैदा हो, फितने कायम ना हो। मंदिर के पुजारी हमेशा मस्जिद के मौलाना को सलाम दुआ कहते हैं, तो वहीं मौलाना भी पुजारी को राम राम और नमस्ते बुलाते हैं। इस मौके पर हिंदू और मुसलमान भाईचारों के लोगों ने खूब एक दूसरे की तारीफ करते हुए कहा कि गंगा जमुनी तहजीब मलेरकोटला शहर है, जो कि अक्सर ही देखने को मिलती रहती है। प्रथम तहलका के लिए मलेरकोटला से ब्यूरो रिपोर्ट।